हे फ्रेंड्स, वेलकम। आज का यह वीडियो सभी एम्बेड डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि फसाई ने सभी एम्बेड डायरेक्ट सेलर को उनका फसाई रजिस्ट्रेशन लेना मस्ट कर दिया है। अगर हम यह नहीं करेंगे तो फिर 21 दिसंबर के बाद, जी हाँ, यह तारीख याद रखिए, 21 दिसंबर के बाद हम कोई भी फूड आइटम जिसमें न्यूट्रलाइट आता है, ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, राइस है, ये सारी चीजों की खरीदारी एम्वे से एज अ डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कर सकते हैं, है ना, एज ए एम्वे डायरेक्ट सेलर पार्टनर नहीं कर सकते हैं। तो हमें फसाई का रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आवश्यक है और यह मैसेज बार बार पूरी टीम को दिया जा चुका है, एम्वे की तरफ से भी, सारे प्लेटिनम लीडर्स को, एमरल्ड को, डायमंड को। तो आज आप इस वीडियो के माध्यम से यह सीख सकते हैं कि यह रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान प्रोसेस है। आपके पास सिर्फ कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और एक पेमेंट के लिए कोई एक कार्ड हो, यूपीआई हो, नेट बैंकिंग हो, और आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। एक साल से लेकर के 5 साल के बीच में आप जहाँ जितने सालों का भी चाहें उतने सालों का रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, है ना। हर साल का लगभग 100 रुपए के आसपास खर्च पड़ेगा, प्लस वो जो पेमेंट गेटवे वगैरह है वो सब चार्ज मिलाकर के 101-102 रुपए के आसपास में आपका काम हो जाएगा। डॉक्यूमेंट आपके पास क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहला आपका एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, दूसरा आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, और तीसरा आपके पास आपका प्रीमाइसेज का प्रूफ होना चाहिए, वह प्रीमाइस जहां से आप अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास तैयार हो तो आप अपने लैपटॉप अथवा मोबाइल दोनों से इस रजिस्ट्रेशन को विद इन मिनट्स कर सकते हैं। आपको 12 से 15 मिनट का टाइम लगेगा और आप ये रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो आज मैं आपको रजिस्ट्रेशन लाइव करके दिखाता हूं, स्टेप बाय स्टेप। आइए चलते हैं कंप्यूटर पर। सबसे पहले हम गूगल क्रोम को खोलते हैं। गूगल क्रोम में फॉस्कोस टाइप करने पर देख रहे हैं उसका वेबसाइट का लिंक आ गया, FOSCOS, और उसका मेन स्क्रीन जो है वह यह है। यहाँ तीसरे लाइन में आप देख रहे हैं अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन, उस पर क्लिक करने पर हमारे सामने ये स्क्रीन आता है। हमें जनरल सेलेक्ट करना है और फिर अपना स्टेट डालना है। मैं जिनका रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ वो बिहार से है, इसीलिए बिहार किया। काइंड ऑफ बिजनेस में ट्रेड ऑब्लिक रिटेल सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ रिटेलर में आ जाना है, जहाँ टर्नओवर अप टू 12 लाख पर एनम को सेलेक्ट कर लेना है। अब हम यहाँ प्रोसीड करते हैं और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। हमारे सामने ये फॉर्म खुल करके आ गया है जिसमें हमें एक एक करके सारे डिटेल्स को डालना है। नेम ऑफ एप्लीकेंट, इंडिविजुअल हैं, एड्रेस को, और ये सारी चीजें एंट्री कर देनी है। एड्रेस को डालने के बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट पर्सन में हम अपना नाम डाल सकते हैं क्योंकि हम ही एंट्री कर रहे हैं। नंबर ऑफ इयर्स आप 1 से लेके 5 के बीच में कुछ भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे 5 डाला है। ये वाला सेक्शन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर नेम ऑफ द फूड कैटेगरी हमें डालना है, वैसे फूड कैटेगरी जिसका लाइसेंस हम ले रहे हैं। तो एम्बे ने ऑलरेडी हमारे पास एक लीडरशिप भेजा है जिसमें उन सारे कैटेगरीज के डिटेल्स डाले हुए हैं, तो मैं उन्हीं में से 5 कैटेगरीज जो टोटल डालने हैं वो मैं आपको कर रहा हूं और साथ में सेव एंड ऐड करके दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले हमने 1 नंबर डाला और फिर 2 नंबर डाला, अभी 6 नंबर हमने डाला है, अब 13 नंबर डालेंगे और इसके बाद 14 नंबर डालेंगे। हर एक को डालने के बाद सेव एंड ऐड पे जरूर क्लिक करना है। नीचे इन केस ऑफ बिजनेस इंटेंडेड डेट ऑफ स्टार्ट है तो हम आज का डेट डाल देंगे क्योंकि हम आज ही ये फॉर्म एंट्री कर रहे हैं, और सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई में नॉट अप्लीकेबल कर देंगे।
सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमने जो पांच कैटेगरी सेलेक्ट किए थे वो सब दिखने लगे हैं। और अब इसको चेक करने के बाद हम प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद एक बार वापस से प्राइमरी कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ये किसको बिलोंग करता है वो डालना है और फिर हमें अपना लॉगिन क्रेडेंशियल क्रिएट करना है। लॉगिन आईडी खुद फसाई ने ही दे दिया है और पासवर्ड हमें खुद से डाल सकते हैं, आप जो चाहें वो डाल सकते हैं। उसके बाद इसी आईडी और पासवर्ड से चूंकि हमें लॉगिन करना होगा तो हम इसको कॉपी करके कहीं रख भी सकते हैं। कैप्चा हमने डाला और फिर सबमिट बटन पे क्लिक कर दिए। जैसे ही सबमिट बटन पे हमने क्लिक किया तो हमारे कोड जो गया था मेल पे और मोबाइल पे वो हमने यहां एंट्री किया और फिर सबमिट बटन पे क्लिक किया तो फिर हमारे सामने ये मैसेज आ गया कि भैया रजिस्टर्ड हो गया है, अब आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए। तो हमें फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ और प्रूफ ऑफ प्रेमाइसेस को अपलोड करना है। इस तीनों को अपलोड करने के बाद हमें ध्यान रखना है कि अपलोड बटन पे जरूर क्लिक करिएगा ताकि वो फसाई के साथ अपलोड हो जाए। फाइनली डिक्लेयर करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन को प्रिव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू एप्लीकेशन जब करेंगे तो यहाँ पे वो आपका टोटल एप्लीकेशन सामने आ जाएगा। आप एक एक चीज को चेक कर सकते हैं कि यह सही है या किसी चीज को सुधारने की जरूरत है। अगर सब चीज सही है तो आप वापस से फसाई के साइट पे जाएं और अब आप पेमेंट कर दें। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट थ्रू रेजर पे है, उस पर क्लिक करिए और पे बटन पे क्लिक करें। एक बार वापस से मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डालने के बाद जब हम प्रोसीड करेंगे तो हमारे सामने पेमेंट का पेज आ जाएगा। यहाँ आप जिस माध्यम से भी चाहे पे कर सकते हैं, कार्ड डिटेल्स डाल दीजिए, नेट बैंकिंग, यूपीआई, कार्ड डिटेल्स या कुछ भी डाल करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो ओटीपी फिर वापस डाल दीजिए अगर आपने कार्ड से पेमेंट किया है तो। और यहाँ पेमेंट सक्सेसफुल वेट का एक ऑप्शन आ रहा है और इसके बाद हमारा एप्लीकेशन का रिसीट आ गया। इस एप्लीकेशन रिसीट को हमें डाउनलोड कर लेना है और अपने डेस्कटॉप पे या कहीं भी आप इसको सेव करके रख सकते हैं। आप चाहें तो नाम दे सकते हैं जिनका भी ये एप्लीकेशन था। और इस एप्लीकेशन रिसीट को डाउनलोड करने के बाद एमवे का वेबसाइट खोल करके लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद पर्सनल डिटेल सेक्शन में टैक्स आईडी और फसाई का ऑप्शन आता है, वहां जाकर के आपको इस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है, स्टेटस में अप्लाइड फॉर डाल देना है। तो आपने देखा कितना आसान था यह प्रोसेस। पूरा प्रोसेस बहुत ही आसान है और आप इसको मिनटों में पूरा कर ले सकते हैं। मैं आपको वापस से वह तारीख याद दिलाना चाहता हूं, 21 दिसंबर से पहले यह जरूर कर लें और करने के पश्चात यह डॉक्यूमेंट एमवे के वेबसाइट पर लोड कर दें। थैंक यू।